सरप्राइज गिफ्ट कर देती हूँ आपके पॉकेट के लिए, मेरे साथ पेन। वैसे दिखाओ एक्चुअली यार, लेकिन ये मर्द नहीं पहनते हैं चीज़ें यार, ये मर्दों के सेक्शन में है बॉयज एंड गर्ल्स। ये देखो जरा, बनाना मुझे वो फ्लेन राइडर ने पहना होता था सैचल। मंडे का दिन है और निकले हुए लोग शॉपिंग करें यहाँ पे मंडे को भी। फिजा ये वाली है मेरी ड्रीम लैम्बो बॉयज एंड गर्ल्स, ये वाली जो ये वाला कलर है ना डार्क येलो। शिकागो का जो डाउन टाउन है मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, बिकॉज हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स क्या चाल है, दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। अभी मैंने व्लॉग लगा के फारिग हुआ था पिछला वाला, मैं और फिजा अभी हम दोनों निकले हैं होटल से बाहर, डाउनटाउन के पास ही था तो हमने कहा यार हम अपनी थोड़ा वॉक करते निकलते हैं। आज वो शाहरुख जो है मेरा कजन, उसका इवेंट है 6 बजे तो उधर हमने जाना होगा, लेकिन अभी हमारे पास काफी टाइम है तो हम निकला है डाउनटाउन में जा रहे हैं, मैग्निफिसेंट माइल जा रहे हैं शिकागो में, जहाँ पे काफी ज्यादा शॉपिंग सेंटर्स हैं और काफी मतलब शगल वगल है। तो बस अभी हमने कहा वॉक करते हैं 20 मिनट की निकलते हैं, डाउनटाउन भी दिखाते हैं शिकागो होगा। अब तो कैमरा गेम्स भी आप तो जरा मजा आएगा देखने का ना आप लोगों को भी। अभी हम हैं डाउनटाउन के बीचों बीच, काफी प्यारे मंजर, काफी प्यारा समय और वेदर तो परफेक्ट हुआ। मैं आपको क्या बताऊं, मजे की चिलचिल हल्की हल्की विंड चल रही है, धूप निकली हुई है तो धूप भी अच्छी है, ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, लग रहा है ऐसे अच्छा अच्छा मौसम रहे, काफी मजा आ रहा है फिरने का इस वक्त ना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बॉय मूसा खाना एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वो वेडिंग ड्रेस शॉप है वो देखनी है जाके, वेडिंग ड्रेस शॉप देखनी है, दोबारा शादी कर लेते हैं या फिर मेरे पास 3 और ऑप्शन। वो तुम्हारी मुंह से स्माइल जाती है ना, उसको देखने का बड़ा मजा आता है। ये कोई आइसक्रीम की दुकान आ जाए, फिजा ने उसको छोड़ना तो होता नहीं है। स्कूपिंग फ्लेवर्स फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी, इतनी बड़ी कैप छोड़ते हैं, आ जाओ। उफ कितनी मीठी मीठी खुशबू है यार, क्या क्या है इनके पास फ्लेवर्स। सॉल्टी कैरेमल ले लो, ये अच्छा होगा। कॉफी विद क्रीम एंड शुगर, ये अच्छा होगा। चेक करो जरा हमारी आइसक्रीम, अच्छा काफी बड़े बड़े स्कूप दिए उसने डाल डाल के, टाइट है जितना। चॉकलेट तो बहुत मजे का, मिल्की चॉकलेट कॉफी। ओए होए होए होए, नॉट अ बिग फैन ऑफ आइसक्रीम रियली, बट लेकिन ये बहुत मजे की आइसक्रीम है। जरा एडे दी आइसक्रीम है ना, बहुत ही टेस्टी है, लेकिन आइसक्रीम के तौर पर यार ये जो इस तक बोला नहीं जा रहा, पीछे कंस्ट्रक्शन चली जा रही है बॉयज एंड गर्ल्स, कहीं और जाके बोलते हैं। बॉजिंगल सीन ये है कि अब हम ज़ारा पे जा रहे हैं, ज़ारा स्टोर पे, मैग्निफिसेंट माइल पे हम आ गए हैं। ये ना बेसिकली लंबी सड़क जाती रहती है, यहाँ पे ना महंगे महंगे शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। चले जाओ ये ध्यान से, मैं तो बड़ा डर लगता है इस चीज़ से भाई, एमी हाथ बंदे की उंगली आ जाए साइड पे। हेलो, मैंने भी इतना जस्ती हेलो किया। तुम्हारी आंटी से करा दूँ मैं फ्रेंडशिप, मेरे से एंड कर लो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या तुम्हें अच्छा पहनना चाहिए। मुझे तो वो समझ नहीं आया। ये ड्रेसेस तो ऐसे तुम्हारे पास 200 हैं, एक सेकंड। ब्लू कलर मैं मुझे वैसे बड़ा अट्रैक्ट करता है। ब्लू कलर, ये देखो खुले खुले पजामे वाली। अच्छा देखो, नहीं ये क्या जालियां बनी हुई है तो अंदर, ये नेट भी नहीं सही, सारा अंदर से सी थ्रू है यार। ये तो सर्दियों का सामान पड़ा हुआ इधर बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज एंड गर्ल्स मुझे कुछ काम का नहीं मिला यहाँ पर, सब कुछ बकवास है। यहाँ से तुम कुछ ना पहनो, मैं तुम्हें अच्छे से दिला दूंगा, ठीक है। दिखाओ एक्चुअली, मैं थोड़ा सा बेइज्जती करने आता था, फिर मुझे याद आया मैं व्लॉग वाला माल लेके चलता हूँ ना, तो साथ ऐसे फैनी पैक होना चाहिए। लेकिन बहुत बंदा वो लगता है बैग फैक, बंदा थोड़ा सा ना गैगेट लगता है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। यार लेकिन ये मर्द नहीं पहनते चीजें यार, ये मर्दों के सेक्शन में बॉयज एंड गर्ल्स। ये देखो जरा, बनाना मुझे वो फ्लेन राइडर ने पहना होता था सैचल, लेडीज ही लग रहा। चले आंटी पैसे दे दे, ईदी दे दे। अभी ये पहनते हैं जरा, ये पहनते हैं और एक दो चीजें मैं और देखते हैं, आपको फैशन करके दिखाता हूँ। कैसा लग रहा हूँ इसी तरह के, आप चाहते हो ना मैं पहनूँ खुले खुले, आपके तो मैं टाइट। अच्छी रिलैक्स शर्ट है, अच्छी रिलैक्स शर्ट है। एक ले लेते हैं भाई, पैंट्स दो हैं वो भी चेक करा। इट लुक्स वेरी कूल, लुक्स कूल राइट, डिफरेंट डिफरेंट लग रहा हूँ, मूसा नहीं लग रहा। बॉयज एंड गर्ल्स पता नहीं फिजा को क्या मसला, मैं कह रहा हूँ कि मैंने ना अब यही पैंट पहननी है और यही पैंट पहन के ना मैं ये आउटफिट, ये देखो जरा चेक करो, ये आउटफिट पहन के ना मैंने निकलना है। तो कह रही अच्छा नहीं लगता, टैग लगा, मैंने कहा टैग तो स्कैन करके उतार लूंगा मैं, ताजी लगा करूंगी, ये स्कैन कर ले कर ले। ये तुम्हें छमियों बहुत आती है इस दुनिया से, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने इन लोगों से कभी मिलना है दोबारा? नहीं, लेट्स गो। अब हम वहां से बाहर आ गए ज़ारा से, थोड़ी सी शॉपिंग की है मेरी की है, जाते हैं कहा मैं तो लेता ही कुछ नहीं हूँ। आई थिंक तुमने जो लेना होता है ना वो तुम मेरे साथ नहीं अलग से ले लेती हो जाके। वो देखो जरा ऐसा ड्रेस लेते हैं तुम्हें। लेकिन और स्टोर्स भी देखते हैं, ये पूरे यहाँ पे ना मतलब दिस इज लाइक द मोस्ट इन अ वे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बेल्ट्स
जहाँ पे ना काफ़ी महंगे महंगे स्टोर हैं। और आप ये लोग चीज़ देखो कि आज मंडे का दिन है, खैर मैं तो छुट्टी लेके आया हूँ काम से, लेकिन मंडे का दिन है और निकले हुए लोग शॉपिंग ही करें यहाँ पे मंडे को भी। लेकिन एक बात बताऊँ, मज़ा भी मंडे को ही घूमने फिरने का आता है क्योंकि रश नहीं हो रहा, आराम से हम घूम रहे हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। ये मेन्स वेयर हाउस भी बहुत बड़ा स्टोर है। वैसे मेन्स वेयर हाउस मुझे बहुत पसंद है। अगर आप कभी अमेरिका हो ना, अपना सूट बनवाना हो, सबसे चीपेस्ट सूट और सबसे अच्छा आपको यहीं पर बनेगा। मैंने अपने शादी का सूट भी यहाँ से बनवाया था, वो टक्स वाला बड़ा सेक्सी सा। चेक करो ज़रा नज़ारे बॉयज एंड गर्ल्स। ये फिजा कह रही मैंने अल्टा ब्यूटी से ना ब्लो आउट करवाना है बालों का। वो देखो जरा, वो देखो साइकिल जैक्सन, साइकिल मैक्सन। आओ तुम्हारा अल्टा का पूछ लेते हैं बाल। वैसे अच्छे तो लग रहे हैं तुम्हारे बाल। अब आप ये लोग ना सोचे कि मैंने ये काम भी शुरू कर दिया यहाँ पे लिपस्टिक वगैरह लगाने, वो फिजा के लिए हम आए हैं। बॉयज एंड गर्ल्स फिजा को मिल गई अपॉइंटमेंट और ये मैं अभी यहाँ पे बैठ गया हूँ अल्टा पे उसके साथ। मुझे कहती थी कि हाइड्रोफेशियल करवा लो भाई, के फेस में कोई कमी थोड़ी है कि जो मैं हाइड्रोफेशियल भी करा लूँ। चेक करो माशाल्लाह, दिल साफ होना चाहिए, स्किन खुद ही खुद साफ हो जाती है। बॉयज एंड गर्ल्स देखो फिजा बाल धुलवा के आई है, तुम वो लग रही है वो माय नेम इज़ खान में मामा जेनी नहीं होती, वो टॉम एंड जेरी में नहीं होती जो टॉम को मारती रहती डंडों से। उड़ाओ मेरा पैसा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने पोजेस मारता हूँ यहाँ पे, लग नहीं रहा मैं मशीन। ये फिजा अपना करा ले, फिर हम निकलते हैं यहाँ से। 2000 years later. Boys and girls, finally, after 2 million years, मैं कितने डॉलर्स का? 47 का। ऊपर से कहते हैं कि टिप देनी है रे को, मैंने कहा मेरा मामा लगता है, मेरा तो कोई काम किया नहीं उसने, फिर भी दे दी मैंने, अच्छा बंदा था बेचारा। हाँ देख लो अपने आपको, देख लो देख लो। ये जाइकल मैक्सन अभी तक डांस करी जा रहा है। चलो यार इसको बेचारे को दे जाते हैं कुछ। कॉफी की बहुत तलब हो रही है हमें जोर की, तो हमने सोचा जरा कि कॉफी की शॉप है सामने, यहाँ से कुछ पकड़ते हैं। ये सामने जाके आती है। अभी फिजा की जितना हमने वेट किया मेरा तो सर घूम गया। अभी कभी कर लिया करो, मैं भी तो आपका वेट करती हूं। अच्छा कौन सा? सुबह यार वो तो नैप ले रहा था ना, वो तो यार ह्यूमनली फंक्शन है मेरे बॉडी का, वो तो मेरी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, समझ रही हो ना। कैफे ओले फॉर मी अ स्मॉल एंड लेट मी गेट वन शुगर इन इट, थैंक यू। फिजा ये लो, ये तो ग्रीन ही है पूरी। तेरा मैं बहुत जबान सड़ गई, अब मुझे किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा। इट्स ओके, टिम हॉर्टन्स वाला लेवल ही बहुत समय ना, मेरी जबान जल गई तो मुझे टेस्ट नहीं आया था, बट इट्स एक्चुअली वेरी गुड। मज़े की कॉफ़ी है, आई लाइक इट। लाओ तब तक ब्लॉगिंग करो, चेक कर। मुझे हमेशा मैचिंग नहीं करना चाह रहा था, मुझे फौरन चेंज कर दिया जब इसको मौका मिला, बट नाउ वी वर मैचिंग। क्या अजीब हो, ही डजंट लव मी एनीमोर। है अजीब लगता है ट्विनिंग करके, लाइक ये कपल होता है। आप लोग मुझे बताओ जो लेडीज देख रहे हैं, जेंट्स देख रहे हैं, जो जो कपल हैं, अपनी वाइफ या अपने मर्द के साथ आप ट्विनिंग करना पसंद करते हो? अजीब नहीं लगता? लोग कहेंगे क्या यार इतने क्रिंज हैं आपस में, वो क्रिंज लगता है, मुझे क्रिंज लगता है। सुवेज वाटर वो जो जैपनी सी वीड होती है वैसा टेस्ट आ रहा है। That's amazing, man. Yeah. That's amazing. Thank you very much. Of course, man. Of course. Good luck, man. See ya. बंदा मेरे से भी पूछ रहा था बाहर ना कैमरा इतना बड़ा लेके ना, वो कह रहा था कि ये मैंने इसके बारे में बहुत सुना है तो मुझे थोड़ा सा बताओ। मैं उसको बताया तो कह रहा है क्वालिटी तो उसकी अमेजिंग है, तो मैं भी ये इन्वेस्ट करके ले रहा हूँ। मैंने कहा हाँ भाई अच्छी चीज़ है, अगर तुम कर सकते हो तो ले लो। बहुत से लोग इसका मेरे से बार बार नाम पूछते रहे थे इस कैमरे के, DJI Osmo Pocket 3, और मैंने बेस्ट बाय पे लिया था, $700 का ना बंडल के साथ मिल रहा था। सो इफ यू हैव दैट मनी एंड यू वांट टू गो फॉर इट, आई थिंक दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यूट्यूबर्स एंड ब्लॉगर्स। ये तुम्हें चीजें बताता हूँ मैं अच्छी अच्छी, आपको थोड़ी शॉपिंग या मॉल्स में और लेके जाते हैं, लेकिन अभी टाइम रन आउट कर रहा है आपको पता है किसकी वजह से। बाय द वे बॉयज एंड गर्ल्स, शिकागो का आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बड़ी पुरानी सिटी है यहाँ पे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटीज, यहाँ का फूड बहुत अच्छा है, लेकिन अब डैलस कैचअप कर गया है, डैलस बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ना ये पुरानी सिटीज़ में ना USA की थोड़ा कल्चर ज़्यादा होता है, जैसे शिकागो में आप जाओ, ह्यूस्टन में आप जाओ, न्यूयॉर्क में आप जाओ, और ये जितनी सिटीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग होते हैं ना, वहाँ पे गुर्बत भी उतनी ज़्यादा होती है और अमीर भी उतने ज़्यादा होते हैं, डिस्पेरिटी बहुत होता है अमीर और गरीब के बीच में ना। आपको होमलेस बहुत नज़र आएंगे यहाँ पर रैंडम, लेकिन मंडे को लोग डियोर खरीद रहे हैं। हाँ लेकिन मंडे को तुम्हें डियोर भी खरीदते हुए लोग नजर आएंगे, $5,000 वाली चीजें, छापा पे आ गया और की हो गया पॉइंट। और अच्छा अंडरग्राउंड सबवे भी यहाँ पे, न्यूयॉर्क वाला सब है, सबवे यहाँ की बहुत
चलती है, लेकिन सबवे का मसला है कि वहाँ पे आपको ना हमेशा गंदे इनकाउंटर भी हो सकते हैं। देखो अभी स्टाइलिश स्टाइलिश लोग चल चल के जा रहे हैं, स्टाइलिश लोग भी घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो होमलेस बेचारे भी बैठे हुए हैं। ओए भागो 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 भागो, आओ स्किप स्टेबलाइजेशन देखे। शिकागो का जो डाउनटाउन है मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, बिकॉज बहुत ज्यादा क्राउडेड भी नहीं होता न्यूयॉर्क के डाउनटाउन की तरह, लेकिन न्यूयॉर्क के डाउनटाउन वाली फील देता है। चेक करो स्टारबक्स की रोस्टरी, यहाँ पे स्टारबक्स का रक्षा भी है, लेकिन मैं स्टारबक्स को नहीं प्रमोट करना चाह रहा भाई, सिर्फ आपको रक्षा दिखा रहा था, प्लीज फतवा ना मारना मुझे, वैसे ही दिखा रहा था कि स्टारबक्स का वो रक्षा अंदर बना हुआ है। बॉयज एंड गर्ल्स बाय द वे, ये बेंटली का स्टोर है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं अंदर प्यारी सी रेड रंग की बेंटली खड़ी हुई है, लैम्बोर्गिनी, यार ये तो देखनी पड़ेगी फिजा, ये लैम्बोर्गिनी का भी साथ ही खुला हुआ है बेंटली के। चेक करो बॉयज एंड गर्ल्स, अंदर लैम्बोस खड़ी हुई है, ठीक है, ब्लैक वाली फिजा, ये वाली कह रहा था मेरी, ये वाली ड्रीम कार है फिजा, ये वाली है मेरी ड्रीम लैम्बो बॉयज एंड गर्ल्स, ये वाली जो ये वाला कलर है ना डार्क येलो। ओए होए 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 होए, क्या जालिम गाड़ी है यार, ये चेक करो जरा, रोल्स रॉयल्स भी है, रोल्स रॉयल्स एस्टन मार्टिन सामने खड़ी हुई है, इतना मुझे मजा आया अभी देखने को गाड़ियां, मैं अंदर जा नहीं सका, एक तो अपॉइंटमेंट वाला स्टोर, आई थिंक दोनों ही अपॉइंटमेंट वाले स्टोर थे वैसे भी, लेकिन अगर आप जाओ भी ना अंदर तो वो आपको कन्विंस करते हैं, यहाँ क्रेडिट डेट में फंस जाओ लेकिन हमारी गाड़ी ले लो, नहीं वैसे किसी को नहीं देते, अगर आप जो बहुत महंगी गाड़ी लेते हो ना जाके उसका ये रूल नहीं होता, किसी को भी दे देंगे, बड़ा टाइम लगता है, यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेपर वर्क एंड वो आपको चेक करते हैं कि स्टेटस क्या है, जैसे अगर आप लैम्बोर्गिनी या कुछ लीज करा रहे हो ना, फाइनेंस करा रहे हो, तो वो देखते हैं कि बंदा हमें दे भी सकता है कि नहीं पैसे। बॉयज एंड गर्ल्स हम होटल रूम में वापस आ गए, अब हमने रेडी होना है और इवेंट के लिए निकलना है, तो वो शलवार कमीज वगैरह पहन के निकलेंगे, तो उसके लिए अब हम आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग। तो एनीवेज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह।